मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? भैया अच्छे हो गए? मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए गाइस, अभी बज रहे हैं 8:30, तो मैं यहाँ हॉल में बैठी हूँ और अभी मैंने नहाया नहीं है। मैं नहाने जा रही हूँ और देखती हूँ कि लली ये क्या कर रही हैं। देखिए ये फोन चला रही है और हम लोग यहाँ बाहर बैठे बातें कर रहे हैं। अभिषेक और निर्दोष वो सामने दिखाई दे रहे हैं, वे दोनों पढ़ रहे हैं और वे बच्चियाँ आ गई हैं, उन्हें ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो। और हम अभी यहाँ बाहर हॉल में बैठे हैं। अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, तो अभी हम नहाने जा रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम नहाने के लिए। तो उससे पहले आप लोगों से कुछ विनती करना चाहते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों, जिसके जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिले। तो चलिए गाइस, अभी मैं नहाने जा रही हूँ, फिर मिलते हैं नहाने के बाद। गाइस मैं नहा के आई हूँ, देखिए अभी अभी गर्मी है बहुत तेज़ और बहुत देर तक मैंने नहाया और अब नहा लिया है हमने। अब हम अपने लंच की तैयारी करेंगे और कपड़े चेंज करेंगे। अभी हमने ये नाइटी डाली है। तो गाइस अब हम चल अपना लंच बनाएंगे और अपने कपड़े चेंज करेंगे, बालों में कंघी करेंगे, फिर मिलते हैं। फाइनली गाइस आप देख सकते हो अभी 1:30 बज रहा है और मैं लंच करके अभी निपट हुई हूँ। मैंने लंच में बनाए थे आलू की सब्ज़ी और रायता और रोटियाँ। तो हम अभी लंच करके फ्री हुए हैं और हम नाइटी पहने थे तो हमने कपड़े चेंज किए और बालों में कंघी की और आप लोगों के सामने आ गई। देखिए गाइस अब 1:30 बजने वाला है, तो अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं, शाम को मिलते हैं। तो गाइस अभी गर्मी है बहुत तेज़, मैंने फैन बंद कर दिया है, तो आपको दिखाते हैं हॉल में। हम अभी यहाँ चटाई पर बैठे हैं, आप देख सकते हो ये चटाई बिछी है। कूलर चल रहा है तो उधर हम बैठे नहीं क्योंकि आप बच्चे सो रहे हैं। देखिए आपको दिखाते हैं कि वो लोग बाहर सो रहे हैं हॉल में और मैं यहाँ कमरे में बैठी हूँ। तो चलिए मैं भी वहीं चलते हैं और थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते हैं और फिर शाम को मिलते हैं। देखिए गाइस पसीना आ रहा है, गर्मी है बहुत तेज़। तो चलिए मैं बाहर चलती हूँ, मैं बाहर चलती हूँ, आप लोगों को भी ले चलती हूँ क्योंकि बाहर थोड़ा ही दिखाएंगे। कूलर चल रहा है तो कूलर की आवाज़ आती है बहुत तेज़, आप देख सकते हो। ये सो रहे हैं, निर्दोष पढ़ाई कर रहे हैं, अभिषेक लली ये लोग सो रहे हैं। कूलर की आवाज़ आती है, मैं बंद करती हूँ और मैं भी रेस्ट लेती हूँ, फिर शाम को मिलते हैं। देखिए गाइस हमने बनाई है हरे आम की सॉस, इसे लौंज बोलते हैं, सॉस मीठी वाली, आप देख सकते हो। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो, आराम से 8-10 दिन चलेगी, ये ख़राब नहीं होने वाली। ये बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट बनती है, देखिए एकदम कितनी बेहतरीन ये लौंज, देखिए ये हरे आम की बनती है, मैंने हरे आम से बनाई है, आप देख सकते हो। मैं इसे परसती हूँ तो आपको दिखाती हूँ इसमें, देखिए गाइस, देखिए देखिए देखो आप कितनी स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी, एकदम बहुत बेहतरीन बनती है हरे आम की लौंज। आप बनाइए तो आप इसे फ्रिज में महीना तक स्टोर करके रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, आप देख सकते हो ये। और ये हमारा आटा लगा रखा है और हम बनाएंगे अब रोटियां। ये तवा रख दिया है गैस पे, ये गर्म हो चुका है। तो चलिए गाइस अब हमें रोटियां बनाते हैं। ये हमने शाम के डिनर में आम की लौंज बनाई है, आप देख सकते हो ये।
आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए गाइस, मैं रोटियां बनाते हैं, फिर मिलते हैं। आप देख सकते हो हमारा डिनर हो गया है और हम यहाँ खड़े हैं। अभी 9:30 बजने वाले हैं और आइयो पास करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।